10 days बिफोर द कैट एग्जामिनेशन टिस्ट ने अनाउंस किया है कि दे विल बी एक्सेप्टिंग द कैट का स्कोर फॉर HRMLR एंड ODCL कोर्सेज, विच इज ऑब्वियसली वेरी अनफेयर विथ ऑल द HRMLR एंड ODCL स्टूडेंट. ठीक है, सो वॉट अबाउट द स्टूडेंट हु हैव नॉट फिल द कैट फॉर्म. बहुत लोगों ने कैट का फॉर्म नहीं भरा, वो बहुत क्लियर थे भाई अपने को कैट लिखना ही नहीं है, अपन टेस्ट नेट लिखेंगे और क्रैक करेंगे एंड विल गेट इन टू द TISS. बहुत लोग का मैथ्स वीक था या मैथ्स का लेवल जो कैट में आता है वो लेवल टेस्ट में नहीं आता. GK पे काम करके टेस्ट क्रैक करके देवर विद द माइंड सेट. बहुत लोग रिपीटर्स थे यार, बहुत लोग रिपीटर्स थे जो अभी लास्ट ईयर नहीं निकला इस साल निकालेंगे, मतलब उनका तो 2 साल गया. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी अनफेयर विथ ऑल द स्टूडेंट. मैं सारे स्टूडेंट के साथ में हूँ, आप अपने जो भी कंसर्न है वो रेज करो टू द अथॉरिटी. ठीक है, टिस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके ईमेल आईडी दिया हुआ है, काइंडली रेज द कंसर्न बट इन प्रॉपर वे. ठीक है, सही तरीके से आपका कंसर्न रेज करो, पोलाइटली हम्बली रिक्वेस्टिंग मैनर में आपके कंसर्न को रेज करो. आई एम श्योर दे मस्ट हैव थॉट सम अल्टरनेटिव. ठीक है, बिकॉज उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिखा है उन्होंने वो बोला है उन्होंने कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, बट ये नहीं बोला है कैट 2023 का, जबकि फॉर CUET PG के लिए बहुत क्लियर मेंशन किया 2024 का जो एग्जाम है उसका स्कोर एक्सेप्ट करेंगे फॉर नॉन HRMLR एंड ODCL कोर्सेस. बट कैट का खाली नाम लिया है उन्होंने, 2023 है या 24 है ये मेंशन नहीं किया हुआ है, विच मीन्स इस साल का जो एग्ज़ाम है शायद उनके लिए कुछ उन्होंने सोचा है होगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस कुछ अच्छा ही हो सारे बच्चों के साथ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का कमेंट मुझे आ रहा है मेरे हर वीडियो में, लाइव स्ट्रीमिंग में बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं. एंड एक्चुअली इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंसर्न विच अथॉरिटी नीड टू अंडरस्टैंड एंड नीड टू पॉइंट आउट एज वेल. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाई वन ऑल दी कंसर्न. मुझे जितने कमेंट्स मेजर मिले मैंने यहाँ पे रेज किया हुआ है. सबसे पहले मैथ्यू का कमेंट है, आई डिडंट अप्लाई फॉर कैट दिस ईयर बट प्लान एंड स्टडी फॉर टेस्ट नेट. इफ दे वॉन्ट टू कैंसिल द एग्जाम एटलीस्ट दे शुड हैव इन्फॉर्म बिफोर कैट एप्लीकेशन फॉर्म एंडिंग. बिल्कुल सही है यार, कैट का एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो गया है, अब आप बोल रहे हो कि हम कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, कैसे चलेगा. ठीक है, हमने तो कैट का फॉर्म भरा ही नहीं है. तो बहुत सारे बच्चों ने कैट का फॉर्म भरा ही नहीं है, उनको कैट लिखना ही नहीं था, मतलब बहुत क्लियर थे वो कि अपन को टेस्ट नेट लिखना है. यार कैट लिखना होता तो मैं IIM टारगेट नहीं करता या फिर दूसरे कॉलेजेस नहीं टारगेट करता. मैं बहुत क्लियर हूँ कि भाई मेरा मैथ्स एवरेज है, वीक है, और मुझे टेस्ट नेट निकालने में कन्वीनियंट होगा और बाकी स्टेज टू पे मैं देख लूँगा. ठीक है, जिज्ञांशु सिंह, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वी यूनाइट एंड स्टार्ट डूइंग ट्वीट एंड स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, अदरवाइज नथिंग गोना टू हैपन. देखो डेफिनेटली रेज योर कंसर्न, एज आई कीप ऑन सेइंग, थोड़ा तरीके से प्रॉपर तरीके से आपका कंसर्न को रेज करो. ठीक है, ट्वीट करो, पोस्ट करो, मैंने तो ईमेल भी कर सकते हो. ठीक है, उनके ईमेल आईडी पे उनका उनके वेबसाइट पे नंबर भी दिया, यू कैन टॉक टू देम एंड रेज द कंसर्न. बट एज आई मेंशन अर्लियर कि डेफिनेटली दे मस्ट हैव थॉट ऑफ सम ऑल्टरनेटिव मे बी, बट रेज सोचा होगा नहीं सोचा होगा डजंट मैटर, आप मेल करके रख दो, मैक्सिमम मेल जाएंगे बम्बार्ड होंगे सो वो हाईलाइट होगा और एक्चुअली में ये कंसर्न दिखेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट डिसीजन लुकिंग एट द करंट सिनेरियो. कैट का फॉर्म फिलिंग क्लोज हो चुका है और उसके बेसिस पे अगर स्कोर एक्सेप्ट करने वाला है तो भाई सही नहीं है. ठीक है, 2000 जो बच्चे अभी 2024 का एग्जाम लिखने वाले थे उनके साथ तो अनफेयर डेफिनेटली है. बाई एनी चांस विल दे चेंज दिस कैट स्कोर वन, मेनी स्टूडेंट्स आर मेलिंग. डेफिनेटली मेल इट भावना, मेल करो, आपका कंसर्न रेज करो. ठीक है, सब लोग मेल करो, आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, आपको ट्विटर पे पोस्ट करना है, डू पोस्ट इट. ठीक है, HRM के लिए ही टेस्ट नेट देता था, अब वो भी कैट के थ्रू हो गया. ओके, तो कैट का फॉर्म फिलिंग नहीं किया तो अब एंड मोमेंट पे ऐसा कैसे. ठीक है, दिस इज़ नॉट फेयर. ओके, ऑब्वियसली सो प्रसून यू आर राइट, लास्ट मोमेंट पे चेंज किया हुआ है और मैक्सिमम लोग यार मतलब 17,000 से 18,000 या अप्रॉक्सिमेट 20,000 लोग HRM के लिए अप्लाई कर देते हैं आउट ऑफ 45,000 to 50,000. ठीक है, तो इतने लोग तो अभी इसमें से कुछ लोग कैट वाले होंगे, कुछ लोग मैक्सिमम लोग तो कैट वाले नहीं हैं. ठीक है, तो ये एक कंसर्न तो है. मनीष का ट्रेंड जो है काफ़ी ट्रेंडिंग है, बहुत सारे मेरे वीडियो पे मनीष ने पोस्ट किया है. टिस ने HRMLR का एडमिशन कैट के बेसिस पे ले के अपनी औकात दिखा दी. बेसिकली इंजीनियर रेस में थे फॉर द कैट. ओके, और एक टेस्टेड एग्जाम का कि जहाँ पे इंजीनियर थोड़े कम थे भाई, चलो UPSC गवर्नमेंट एग्जाम्स, बैंकिंग वाले या तो फिर जिनका एवरेज मैथ्स था, मेजर क्राउड ये था जो टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करके अपना HRM के लिए सीट सिक्योर कर रहे थे, अब वो भी साइड हो गया है. ठीक है,
Aditya is saying focused on testnet prep since last year, skipped CAT exam as other colleges did not interest me, now 12 days before CAT test announced intake through it. यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब रिपीटर्स में मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो एक साल तो उनका इस साल नहीं हुआ और इस साल उन्होंने फुल माइंडसेट यही प्लाना था कि इस साल निकाल देंगे, तो दो साल उनके गए। बहुत लोगों ने तो जॉब छोड़ के पढ़ाई कर रही है यार, मतलब मतलब बोरीवली में, बोरीवली सेंटर में दे रहा था स्टूडेंट, मेनूवर का जो दादर सेंटर है, थाने सेंटर है, मतलब हर सेंटर पे कोई ना कोई है जो जॉब छोड़ के और टेस्टनेट पर फोकस कर रहा है। मेरा हर वीडियो में और हर सेशन में अगर कोई बच्चा आकर मेरे से पूछता है कि जॉब छोड़ दो सर ये पढ़ाई करना, मैं बिल्कुल स्ट्रेट अप ना बोलता हूँ, भाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, जॉब मिली है उसको क्यों छोड़ना है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम के पहले आप कुछ दिन की छुट्टी ले लो, एक दो महीना तीन महीना पहले बता के, वो सही है। बट जॉब छोड़ने के बारे में मैंने आज तक किसी को भी रिकमेंड नहीं किया हुआ है, तो आपको भी मेरा एडवाइस है। सो व्हेनेवर यू आर वॉचिंग माई वीडियो या मेरा ये वीडियो देख रहे हो, जॉब नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत लोग जॉब छोड़ के टेस्टनेट पढ़ रहे थे और अभी ये एक अपडेट आ गया, ठीक है, तो उनके साथ तो ज़्यादा ही अनफेयर हो गया। रविश इज सेइंग सर प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम, मेनी डिड नॉट फिल अप द कैट फॉर्म, पैनिक ऐसे ना करें। यार रविश, मैंने कल रात में ही, यस्टरडे नाइट ओनली आई मेल्ड देम अबाउट इट, बिकॉज मुझे पता था ये बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, तो मैंने कल रात में ही मेल कर दिया था उनको। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनका रिप्लाई आए, बट अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। ऑल्सो रविश इज सेइंग सर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द मेकिंग द पीस मूव दिस मूव बिफोर 10 डेज। मैं, हाँ सही बात है ना, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया फिर आप बता रहे हो, यार आप यही चीज़ सेप्टेम्बर में बोल देते ना, राइट, आप अगस्त में बता देते हम प्रिपेयर हो जाते। ऐश्वर्य, आई एम एन HRM LRTS aspirant now, what will happen, have not filled the CAT form। थोड़ा वेट करो everyone, थोड़ा सा वेट करो, बट हाँ मेल करके डेफिनेटली रख दो अपडेट, दे विल बी श्योरली रिलीजिंग सम अपडेट कि हाँ इस साल के जो HRM LRODCL के बच्चे उनका स्कोर मोस्टली या तो CUET के थ्रू ही ले ले गए, ये होना चाहिए, बिकॉज CAT तो भाई अभी नहीं है, या तो फिर कुछ ऑल्टरनेटिव दे माइट गिव यू, ठीक है। सो यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरी वन, जितने लोग HRM LRODCL के लिए टारगेट कर रहे हैं, मैंने सबका कंसर्न रेज कर रहा हूँ। सो आप अपना कंसर्न रेज करो, मैं आपके साथ में हूँ, बिकॉज जो अभी टेस्ट ने किया हुआ है दैट इज़ नॉट फेयर विद द स्टूडेंट, एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो भाई आप लोग अपना कंसर्न एक तरीके से मेल ड्राफ्ट करके रिक्वेस्टिंग वे में करो, ठीक है, मैं आपके साथ में, मैं आपकी वॉइस डेफिनेटली रेज करूँगा, आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। सो टुमारो आई विल बी टेकिंग द सेशन जहाँ पे मैनूवर के टेस्ट रजिस्टर्ड स्टूडेंट जितने भी हैं, लाइव के बच्चे हैं, क्लासरूम के बच्चे हैं, कि आगे कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज स्टेज वन वाला पार्ट तो हमें प्रिपेयर करना ही है, तो बचा जो उनका पार्ट बी, अभी ये स्पेकुलेटेड सिलेबस है तो उसको लेके भी मैं डिस्कस करूँगा, बट दैट विल बी ओनली फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जितने लोगों ने मैनूवर ज्वाइन किया हुआ है और क्लासरूम या लाइव क्लास को लेकर के, तो उनके साथ मेरे सेशंस होने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी चेंजेस लेके आएंगे अपन वो प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूँ पूरा एग्जाम तक आई विल बी देयर विथ यू, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल मैनूवर टिस CUET, चैनल का नाम भी हमने चेंज कर दिया, इट इज़ नाउ टिस CUET चैनल, इसको सब्सक्राइब करके ले लो, यहाँ पे अपडेट नोटिफिकेशन, और लाइव स्ट्रीमिंग मैंने आज किया हुआ था उसको भी जाके देख लो, एंड दिस वीक आई विल बी टेकिंग मोर लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग वेल, स्टे ट्यून, थोड़ा पॉजिटिव रहो, एंड लेट्स फिंगर क्रॉस अच्छा ही होगा अपने साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।